अभी तो खाली हो रहा है, धीरे धीरे करके खाली कर रहा है। इमरजेंसी वार्ड लग रहा है। इससे बड़ा तो आई चला। ये वही जो टेम्परेरी हॉस्पिटल बनाया इन्होंने, इसी के कुछ खंभे गाड़े, क्या गाड़े, कहाँ गया इनका टेम्परेरी हॉस्पिटल बताइए। एक पाइप लगा करके वो दिखा रहे हैं कि हॉस्पिटल। और इसमें खास बात ये है कि इस हॉस्पिटल में जो इनकी हेल्थ डिपार्टमेंट की साइट है, वो ये कह रही कि 600 कोविड मरीजों का इलाज भी किया। इस तरीके से मनोज तिवारी जी यहाँ पर दिखाते हुए कि यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर गड्ढे नजर आ रहे हैं। ये जो यहाँ पे केजरीवाल जी का जो बोला था, उन्होंने 458 बेड का हॉस्पिटल यहाँ बना हुआ है, यहाँ हॉस्पिटल दिख नहीं रहा है बट काफी गड्ढे भी हैं। तो क्या मिट्टी भी निकल गई क्या यहाँ से? मिट्टी क्या, यहाँ पे बिल्कुल प्लेन था। अच्छा, आज आप देख रहे हो इतना इतना गड्ढा है। और ये ग्राउंड हकीकत देखिए, यहाँ पे हॉस्पिटल तो छोड़िए, जो मिट्टी थी उस मिट्टी को निकाल दिया गया। यहाँ स्थानीय लोग जो बता रहे हैं, डंपर से बेचा गया है और इसमें जो यहाँ का विधायक ऋतुराज झा है वो भी संलिप्त है। यहाँ पे हॉस्पिटल केजरीवाल जी कह रहे थे बन गया इस जगह पे, तो क्या यहाँ पे हॉस्पिटल आपने देखा कभी बनते हुए? देखिए वही जैसे बच्चे ये कह रहे हैं कि यहाँ पे देखिए कुत्तों के लिए बनाया जगह, यहाँ पे डॉग्स टहल रहे हैं। ईमानदारी का लबादा ओढ़े आम आदमी पार्टी के ये मंत्री इस स्तर की लूट कर सकते हैं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा झटका। एक बहुत बड़ा सवाल है कि यही कारण है कि सत्येंद्र जैन जो उनके बहुत खास मंत्री हैं, क्योंकि वही सारे इस चीज के रचयिता है और इसीलिए वो उनको बर्खास्त नहीं कर रहे, क्योंकि यही सारे काले कारनामे इनके सत्येंद्र जैन को इनके पता है। और मैं आपको कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी कभी भी हॉस्पिटल रोकने के लिए काम नहीं करती। हम तो भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए आज यहाँ आए हैं मनोज जी के साथ, और ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। मैं केजरीवाल जी को इतना जरूर कहना चाहता हूँ, आप आकर दिखा दीजिए कि जो आपने 458 बेड का हॉस्पिटल जून 2020 में तैयार किया था वो कहाँ गया।